हेलो दिस इज अल्लामजाफो मनसूब डॉट आयो और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जब भी सेशन जो है वो चेंज होता है तो आपने किस तरह से बच्चे जो हैं वो पिछले सेशन से अगले सेशन के अंदर ट्रांसफर करने हैं सबसे पहले स्कूल सेटिंग्स के अंदर आपके पास एक टैब होगा सेशन के नाम से उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके आपने नया सेशन क्रिएट करना है तो लत से जी मेरे पास सेशन पहले जो है नीचे क्रिएट हुए हुए हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स तक हुए हैं लत से जी मैं यहाँ पर टू थाउजेंड ट्वेंटी उंड टू टू थाउंड लेता हूं। ठीक है। आप लोग के भी जिस भी जिस साल के अंदर होंगे आप वही कर लेंगे यहां से बस मैं एक रैंडम जो है डेट्स डाल रहा हूं अभी आपके जिस तरह से सेशन चलता है, उस तरह से कर लेंगे टाइप आपने आपने एनुअल रहने देनी है क्रिएट सेशन पे आपने क्लिक कर देना तो सेशन सिस्टम बना भी देगा सिस्टम पिछली सारी क्लासेस जो हैं वो अगले सेशन में भी बना देगा ठीक है और साथ में ही कर जो सेशन अभी बनेगा उसको एक्टिव कर देगा अभी आप देखिए नीचे लिस्ट के अंदर एक्टिव जो है उसके सामने ये चीजें आ रही हैं क्लासेस वगैरह आ रही हैं जो नहीं एक्टिव उसके सामने एक्टिवेट का बटन आ रहा है अभी सिस्टम बैक एंड के ऊपर सारी प्रोसेसिंग कर रहा है उसको ट्रांसफर करने की सेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया अगर आप नीचे देखेंगे तो थर्टी वाला जो है वो एक्टिव हो गया और उसके सामने क्लासेज का ऑप्शन आ रहा है अगर अभी इस टाइम पर आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर देखेंगे तो आपको बच्चे जीरो नजर आएंगे और आपको जो है क्लासेस सारी की सारी लेकिन नजर आएंगी ठीक है तो इसका मतलब ये कि अभी नया वाला सेशन जो है वो एक्टिव हो गया हुआ है देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स जो है वो जीरो हैं अब आपको करना यह है कि अब आपको बच्चे पिछले सेशन से उठा के अगले सेशन के अंदर शिफ्ट करने हैं दोबारा से ठीक है तो इसके लिए आपका जो है पिछला सेशन एक्टिव करना जरूरी है जो कि जाके मैं अगर एक्टिव करता हूं ठीक है तो मैं इसको जाके एक्टिव करूंगा और अब इस सेशन की जो है ना मैं क्लासेस में जाऊंगा ठीक है इस सेशन की क्लासेस में जाके मैं हर सेक्शन में से बच्चे जो है वो आगे ट्रांसफर करता जाऊंगा जैसे एग्जाम्पल है कि नर्सरी के अंदर दो सौ पांच बच्चे मैं सेक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास जो है ये sections आ जाएंगे सारे ठीक है सेक्शन के सामने मोर एक्शन बटन है प्रोमोट स्टूडेंट्स का उस पर क्लिक करेंगे हम और इस पे क्लिक करते साथ ही आपके पास जो है बच्चों की लिस्ट खुल जाएगी और ऊपर एक सेशन का ड्रॉप डाउन है और नीचे क्लासेस का ड्रॉप डाउन है जैसे जैसे सेशन चेंज होगा क्लासेस नीचे अपडेट हो जाएंगी ठीक है तो आपने काइंडली अपना जैसे मैंने भी दो हजार तीस इकतीस वाले ट्रांसफर करना है दो हजार तीस इकतीस में, में सेलेक्ट करूंगा सिस्टम उसी की क्लासेस ले आएगा मैं करता यह हूँ कि मैं इन बच्चों को फेंकना चाह रहा हूँ लेट से जी मैं उनको कहता हूँ कि यार इनको वन क्लास के अंदर कर दो अभी ठीक है तो मैं वन बी के अंदर फेंक करूंगा चेक ऑल किया मैंने आप अगर कुछ बच्चों को भी रखना चाहते हैं पिछले सेशन के अंदर ही तो उनको यहाँ से आप चेक कर अनचेक कर सकते हैं और नीचे जो है मेरे पास बटन यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसफर का ठीक है जी ये बच्चे काफी ज्यादा हैं इस क्लास के अंदर तो मैं इसको जब प्रोमोट कर दूंगा तो यहाँ पे आपके पास ये बटन आ जाएगा एग्जाम्पल मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ चेक कॉल को मैं छोड़ देता हूँ ये आप भी ये कुछ बच्चों को जो है मैं ट्रांसफर करता हूँ अभी आगे जैसे तीन बच्चे हैं ऊपर वाले उनको मैंने आगे जो है प्रोमोट करना है तो प्रोमोट का बटन दबाया मैंने तो ये बच्चे जो हैं आप इस सेशन से अगले सेशन के अंदर चले जाएंगे और आपको इस सेशन में ये नज़र आना बंद हो जाएंगे वेरीफाई करने के लिए वॉट यू कैन डू इज कि आप अगले सेशन को एक्टिव करें एक मिनट के लिए और चेक कर लीजिए जैसे एग्जाम्पल ये है कि अभी स्कूल सेटिंग्स में जा करके मैं सेशन में जाऊँगा और यहाँ से जा करके मैं जो मेरा जिस सेशन में मैंने बच्चे भेजे हैं जो कि दो हज़ार तीस है उसको एक्टिवेट करूँगा जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो मुझे आप देखिएगा कि डैशबोर्ड के ऊपर वो बच्चे तीन जो है उसका नंबर विजिबल होने लग जाएगा और अभी मैं आपको क्लासेस में भी दिखा दूंगा कि उस क्लासेस के अंदर भी बच्चे आपको मिल जाएंगे क्योंकि बच्चे यहाँ आ गए हुए हैं ये तीन आ गए जी और यहाँ से क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको वन क्लास के अंदर तीन बच्चे नज़र आने चाहिए तो इस तरह से आप वेरीफाई करेंगे ठीक है जी यहाँ पे आप देखिएगा ये वन क्लास में थ्री स्टूडेंट्स आ गए हुए हैं ठीक है अगर मैं अभी इसको डार्क मोड रहे है एग्जिट करके आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे तीन बच्चे आपके सामने आ गए हुए हैं इसके अंदर ठीक है इसी तरह से आपने क्लास बाई क्लास बच्चे ट्रांसफर करते जाना है थैंक यू